चेन्नई चटपटी। हे भगवान, आज सुबह से तो मेरा धंधा ही नहीं हो रहा है, क्या करूं? कल आगे सुपर बैठ जाती हूँ। नहीं निर्मला, तुझे थकना नहीं है, तुझे मेहनत करनी है और पैसे कमाने हैं। और वैसे भी मेरे घर में मेरे अलावा ऐसे कमाने वाला है ही कौन? वो बापू, वो तो दिन रात दारू पी के बाहर पड़ा रहता था, और जब घर आता था तो हम सबको मारता था, लेकिन एक दिन छोड़कर चला गया। और अब घर में मैं, मेरी माँ, आशा दीदी, कविता दीदी और मेरी छुट्टी, अरे मेरी छोटी बहन 1.5 साल की हो गई है, चलना भी नहीं आता, आंखों के नीचे काले काले घेरे, सूखे सूखे होंठ, पतले पतले लकड़ी जैसे हाथ पैर, बहुत प्यारी है। हम दोनों साथ में बहुत मजे करते हैं, बहुत खेलते हैं। लेकिन उस दिन छुट्टी को बहुत तेज बुखार चढ़ गया। माँ ने मुझसे कहा, निर्मला आज तुझे अपने सारे चने बेच कर घर लौटना होगा, वरना छुट्टी की दवाई के लिए पैसे कैसे आएंगे। मैंने भी ठान ली कि आज मैं अपने सारे चने बेच कर घर लौटूंगी। वो बड़ी वाली स्कूल का गेट था ना, हाँ वहीं गई थी मैं अपने चने बेचने। अरे वाह, मेरा धंधा अच्छा है, आज तो सारे चने बिके, अब तो छुट्टी की दवाई के लिए पैसे भी आ जाएंगे, वो ठीक भी हो जाएगी। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान। लेकिन इतनी देर में उस बड़े से स्कूल की मैडम आई मोटे से चौकीदार के साथ। तुम्हें समझ नहीं आता, ये लड़की हमारे स्कूल के सामने गंदे सड़े हुए चने बेच रही है और तुम देख रहे हो, मतलब तुम इसे मना भी नहीं कर सकते हो, बाहर निकालो इसे, पता नहीं कहां से आ गई, इतने गंदे चने ये, ओह माय गॉड। मेरी माँ इसे धोती है, साफ करती है, तब इसे हरा कर बेचती है, मेरे गंदे नहीं है इसे, आप देखिए। वॉचमैन, तुम्हें दिमाग नहीं है, बाहर निकालो इसे, निकाल बाहर, पता नहीं कहां से आ जाए, निकाल बाहर, साफ साफ मुझे धक्का मत दो, साफ साफ मुझे धक्का मत दो, साफ मेरे पैसे मत लो, साफ रुक जा, अभी तुझे मैं धक्का देता हूं, निकल। धक्का क्यों दिया? मोटे टकले सर, अरे कीड़े पड़ेंगे तुझे, तुझे निहाल लेगा। भगवान अब मैं क्या करूं, सारे चले लिए कर जाती। लेकिन इस गरीब के साफ सुथरे चने खाने से ये बीमार पड़ जाते हैं। मैं पूछती हूँ क्यों है ये गरीबी मजबूरी? इन अमीरों का रुबाब, उनका अत्याचार सिर्फ हम पर ही क्यों? सिर्फ इसी वजह से कवि रहीम कहते हैं कि संत संपत्ति जाने की सब कुछ दे, संत संपत्ति जाने की सब सब कुछ दे, दीन बिंदु बिन दीन की को रहीम सुधी ले। मैंने नहीं मारा इसे, आप सबने मारा है, मैंने नहीं मारा। इसी के साथ अपने निर्मला का पात्र खत्म करती हूँ और इस शेर के साथ इसे अंत करना चाहती हूँ कि जिंदगी मिली है तो इसे बर्बाद ना करो, कुछ उद्देश्य रखो और आबाद करो, समाज में भलाई के काम करते हुए गरीबों के लिए अपनी ओर से फरियाद करो, अपनी ओर से फरियाद करो। थैंक यू।